उत्तर प्रदेश की खबरों के बाद अब खबरों में वक्त हो चला है बिहार की खबरों की ओर रुख करने का। तो डालते एक नजर बिहार की खबरों पर। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 5 चोरों के साथ 8 मोटरसाइकिल पुलिस ने किए बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के 8 मोटरसाइकिल सहित 5 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। कटिहार जिले में हो रहे मोटरसाइकिल चोरी पर लगाम लगाने के लिए कटिहार पुलिस ने जिले के कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान के साथ उन चोरों को भी धर दबोचा जो पिछले कई दिनों से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इन 5 चोरों के से 8 मोटरसाइकिल के अलावा एक मास्टर चाबी भी बरामद की गई है। साथ ही 4 मोबाइल भी बरामद किए गए। इन 5 चोरों में एक चोर वसीम अकरम पूर्णिया जिला का रहने वाला है, जबकि मोहम्मद आलम, राजू कुमार मंडल, निर्भय मंडल, बबलू मंडल कटिहार जिले का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा बाइक चोरी होने का एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें एक हीरो होंडा वाले की बाइक पोटिया ओपी में रखा हुआ है। इसके आलोक में हल्का पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 8 मोटरसाइकिल और 5 चोर को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यालय के आगे पुलिस और कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इन चोरों के और भी साथी होने की आशंका बताई जा रही है। 1 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई, जिसके बाद प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अफाक अहमद अंसारी के नेतृत्व में नगर थाना अध्यक्ष एवं थानाध्यक्ष कोढ़ा फलका और पोटिया को उद्भेदन के कार्य में लगाया गया, जिस क्रम में कुल 5 मोटरसाइकिल चोर की गिरफ्तारी हुई है, जो विभिन्न थाना क्षेत्र फलका, कोढ़ा, पूर्णिया के रहने वाले हैं, तथा उनके पास से कुल 8 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। अभी तक इनके पास से इस 8 मोटरसाइकिल के अलावा एक मास्टर की, जिससे ये लोग किसी भी मोटरसाइकिल को खोल देते थे, वो बरामद हुई है, और 4 मोबाइल भी बरामद हुई है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान इसकी तो जांच की जा रही है। अभी तक 2 चोरी के मोटरसाइकिल, 2 चोरी के कांड के मोटरसाइकिल बरामद किए जा चुके हैं। अन्य की भी जांच की जा रही है। ये सब फलका थाना क्षेत्र, पोठिया थाना क्षेत्र, कोढ़ा थाना क्षेत्र और पूर्णिया के हैं। अलग विभिन्न थाना क्षेत्रों में पोठिया से, फलका से, कोढ़ा से, अन्य थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, मोटरसाइकिल चोर। सरेआम रंगदारी का एक मामला सामने आया है। घटना भागलपुर जिले के नाथनगर की है। एक खाद दुकानदार ने रंगदारी देने से मना किया तो अपराधियों ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। घटना जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित मुख्य बाजार की है। सरेआम रंगदारी का एक मामला सामने आया है। घटना भागलपुर जिले के नाथनगर की है। एक खाद दुकानदार ने रंगदारी देने से मना किया तो अपराधियों ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी। घटना जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र की स्टेशन रोड स्थित मुख्य बाजार की है। अपराधी रुपेश यादव हथियार लहराते हुए अपने गुर्गो के साथ नसरत खानी निवासी बलवीर मंडल के खाद बीज भंडार में घुस गया और रंगदारी नहीं देने की बात कहते हुए फायरिंग कर दी। गोलीबारी बलवीर व एक निजी कंपनी के कर्मी सारण कुमार और सहकर्मी किशन कुमार की जान बाल बाल बच गई। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में रुपेश गोली चलाते दिख रहा है। घटना के बाद पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल बिहार सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं या उसमें शामिल होते हैं तो पुलिस द्वारा उसके आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल बिहार सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या आंदोलन करता है या उसमें शामिल होता है तो पुलिस के द्वारा उसका आचरण प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है और उन्हें न सरकारी ठेकेदारी और न सरकारी नौकरी मिलेगी। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल नेता अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय जो 19 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था उसमें वो सफल नहीं हो पाए, तो ऐसे अनगल नियम बना रहे हैं।
विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि आंदोलन करना लोकतंत्र में अधिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में आकर कुछ भी फैसला ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार आपको सरकारी नौकरी भी नहीं देगी। अगर विरोध प्रकट भी नहीं करने देंगे तो इससे साफ झलकता है कि सरकार की तानाशाही रवैया साफ नजर आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देता। ये लोकतंत्र में सब जनता का मौलिक अधिकार है। मान लीजिए सरकार कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ तो आंदोलन होगा। क्योंकि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो भी विधायक चुने जाते हैं वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो इनका विरोध करना, जनता का विरोध करना, ये मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, बिल्कुल गलत कहा है, इनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। ये पूरा भारतवर्ष कि सभी लोगों को मौलिक अधिकार है। सरकार जो अच्छा करे उसकी तारीफ करेगा, जो खराब काम करेगा उसका निंदा करेगा, ये मौलिक अधिकार है। अगर उन्होंने कहा है तो उनको बात को वापस लेना चाहिए। कह रहा हूँ कि उनको वापस लेना, इसलिए कि देखिए आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। क्या माने मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? वो तो सिस्टम से चलता है, जो सरकार के एक्ट है उसके हिसाब से होता है। अब आप कोई आंदोलन कर रहा है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, उसकी रोजी रोटी छीनेंगे आप? ये बिल्कुल सही नहीं है। लगता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से इतने दबाव में आ चुके हैं इस 3 महीने में। एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, यह उनका नेचर नहीं था, और इस तरह का बयान इनको शोभा नहीं देता। यह तो पुराने नेता रहे हैं, सोशलिस्ट माने जाते हैं, और इनका विचार होना चाहिए। सभी को लोकतंत्र में मौलिक अधिकार जो उसको बात कीजिए और उसका जवाब आप दीजिए। जो वो गलत बोलता है उनको समझाने का काम कीजिए। हम लोग का काम यही है। किसी को ठेकेदारी नहीं मिलेगा, किसी को FIR दर्ज होगा और उसको नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी। कमाल, एक तो सरकारी नौकरी आप दे नहीं रहे हैं। अभी 19 लाख नौकरी की बात की है, उसमें तो एक भी नौकरी नहीं मिल रहा। तो आप उसको काम करिए, नहीं देंगे मतलब आप नहीं दे पा रहे हैं नौकरी, इसलिए ऐसे ही बात कर रहे हैं कि नौकरी नहीं दे पा रहे। चलो भैया, तूने आंदोलन किया तो नौकरी नहीं दिया तेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र में। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुधवार की रात करीब 11 बजे कदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले मणि कुमार विश्वास अपने मित्र सुभाष विश्वास के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी मिट्टी लदे ट्रक की टक्कर से मणि कुमार विश्वास की मौत हो गई, तो वही उनका मित्र सुभाष विश्वास गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज दुर्गागंज के निजी अस्पताल में चल रहा है। दूसरी तरफ मणि कुमार विश्वास के शव को पुलिस को जानकारी देकर उनके परिजन पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार ले आए। उनके परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना स्थल पर जाने के बाद जब उनके परिजनों ने मिट्टी कटाई करने में हो रहे JCB के मालिक मरगूफ नामक व्यक्ति से इस घटना की जानकारी ली तो उसने दुर्घटना करने वाले ट्रैक्टर की पहचान होने की बात बताई। फिलहाल पुलिस को सारे मामले की जानकारी दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 11:30 रात में कहीं शादी में गया, उधर से आया तो ट्रैक्टर लगे मट्टी बुझवा रहा था दूसरे गांव का। आप फोन करेंगे? और बगल में अपना गाँव का बगल में आके यानी ट्रैक्टर जो था मटेरियल अदा हुआ, ट्रैक्टर ठोकर मारा 11:30 रात। कल गाड़ी तो 8 गाड़ी चल रही थी, JCP गांव के बगल में मल्लिकपुर कदवा, आठ गाड़ी चल रहा था मारा है मुस्लिम रात में 11:30। अरे भोज खा के यार, भोज खा के आ रहे थे, वो अचानक से दुर्घटना हो गया। ये भोज खा के लौट रहा था अपना गाँव 11:30 रात में, तो घर के गांव से थोड़ा यानी 10 मीटर दूर में मट्टी बुझाई काम चल रहा मुस्लिम का। तो जैसे 11:30 लौटा तो ये गाड़ी दो गाड़ी था, उसमें से 8 गाड़ी था मट्टी धरे कर रहा। ठीक, तो ये जैसे वहाँ गाड़ी देखा वृद्ध गाड़ी रोक दिया, दूसरा गाड़ी जो बाइक कर रहा था स्वराज गाड़ी, वही गाड़ी उसको ठोकर मारा, चक्का चला दिया। पता लगा कि मरगू के नाम का गाड़ी सब गाड़ी वही लाया था, और एक आदमी सुभाष कुमार नए वही बाइक पर, देखिए बाइक से दोनों बैठे हुए थे, दूसरे बाइक पीछे वाला बाइक दो आदमी था तब इसको उठाया दोनों को। हाँ, जो साथ में था उसका भी चोर लगा। तक मणि कुमार ये मणिपुर का चौनी पंचायत करवा थाना का, इनका उम्र है 26 साल। भागलपुर के नवछगिया थाना क्षेत्र के पकड़ा शर्मा टोला में मुखिया कदम देवी के पुत्र कुमार गौरव उर्फ
कुमोद शर्मा उम्र 35 साल को अपराधियों ने गोली मार कर घायल कर दिया है। कुमार गौरव को गोली पीठ में लगी है। घटना के तुरंत बाद उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज JLNCH भागलपुर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन घायल गौरव को उसके परिजन इलाज के लिए पूर्णिया लेकर गए और देर शाम सूचना मिली है कि गौरव को पूर्णिया से इलाज के लिए बेगूसराय ले जाया गया। घटना का कारण चुनावी रंजिश बताई जा रही है। घटना में पकड़ा गांव के शातिर अपराधी राजकिशोर राय उर्फ बिलीरिया उर्फ झोटना का नाम सामने आया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर में खाने के बाद गौरव छत पर धूप का सेवन करने गया था। घर के पास ही एक आम के पेड़ पर चढ़कर घात लगाए अपराधी ने गौरव को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही परिजन छत पर गए तो देखा कि गौरव गिर पड़ा है। मुखिया कदम देवी ने बताया कि करीब 2 माह से गांव का शातिर अपराधी बिलरिया उसके पूरे परिवार को मुखिया चुनाव में खड़ा न होने धमकी और 5 लाख की रंगदारी देने की मांग कर रहा था। मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए घटना के तुरंत बाद नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार और के थाना अध्यक्ष दारोगा शैलेश कुमार पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। नवगछिया के SDOP दिलीप कुमार ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की सूचना हम लोगों को मिल रही थी। उन्होंने कहा कि मामला चुनावी रंजिश का है। मुखिया कदम देवी या फिर उसका कोई परिजन चुनाव न लड़े अपराधी इसके लिए दबाव डाल रहे हैं। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। आपस में झगड़ा झंझट हो रहा था, आवेदन भी दोनों तरफ से पड़ा हुआ है, उसका भी जांच हो ही रहा था। आज सुबह में पता चला है कि गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें मुखिया जी हैं उनके लड़का घायल हो गया है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। कंडीशन ठीक ठाक है अभी और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है, अपराधियों को धर पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये 2-4 दिन से टेंशन बना हुआ है और आपस में झगड़ा झंझट हो रहा था, आवेदन भी दोनों तरफ से पड़ा हुआ है, उसका भी जांच हो ही रहा था। आज सुबह में पता चला है कि गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें मुखिया जी हैं उनके लड़का घायल हो गया है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। कंडीशन ठीक ठाक है अभी और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है, अपराधियों को धर पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला प्रकाश में आ रहा है, किस कारण से हुई? ये पंचायत चुनाव को लेकर के ही टेंशन है। आपको लगता है कि विपक्षी जो है वो इनको डराना धमकाना चाह रहे हैं, चुनाव में खड़ा नहीं हो इस तरह से कुछ ना कुछ भय पैदा करना चाह रहे हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि इस सब चीज़ ना हो। कई जो पेशेंट को हम लोग नहीं देखे हैं, इसलिए कि अनुमंडल अस्पताल से तुरंत रेफर कर दिया गया था तो पूर्णिया चले गए हैं। तो सुनने में जो परिजन बता रहे हैं कि उनकी पीठ में या कमर के आसपास में गोली कहीं लगा हुआ है, तो अभी एक टीम निकल गई है, उनसे बयान लेके फिर आपको बता पाएंगे। अभी आवेदन इनके द्वारा दिया जा रहा है, दिया नहीं गया है, लेकिन 8-10 लोगों के शामिल होने की बात इनके द्वारा बताया गया है। घटना तो ये बता रहे हैं कि अपने घर पर ही थे और अपराधी पीछे छुपे हुए थे जहाँ से गोलीबारी की घटना हुई है। और हम लोग को हालांकि वहाँ पर एविडेंस तलाश करने का कोशिश किए हैं तो कोई खोखा वगैरह नहीं मिल पाया है, तो छापामारी जारी है। अगर कुछ इसमें और आता है तो बताते हैं। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंटरमीडिएट परीक्षा ने TNB कॉलेज के परीक्षा केंद्र में मुन्ना भाइयों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, जहां कल दोनों पालियों में 22 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए, वही 16 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। यह सभी में से कोई 8,000 तो कोई 10,000 रुपए लेकर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। सभी 16 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना ले गई और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि ताडू कॉलेज व AK गोपालन कॉलेज सुल्तानगंज, इन्हीं दो कॉलेज के बच्चों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई है। इन्हीं दो कॉलेज के कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन सख्ती की गई थी तो कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ा और कई ऐसे भी रहे जो दुस्साहस कर रहे हैं और वह पकड़े जा रहे हैं। जितने भी पकड़े गए वह हस्ताक्षर के दौरान पकड़े गए हैं। कुल 16 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों कॉलेज के मान्यता को रद्द करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखेंगे। ऐसा है कि दो कॉलेज, एक है तारर कॉलेज और दूसरा है AK गोपालन कॉलेज सुल्तानगंज, इन्हीं दो विद्यालयों के बच्चे के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो रही है कि डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जामिनेशन है। सके चूँकि फर्स्ट डे हम लोगों ने काफ़ी टाइट किया तो बहुत सारे बच्चे जो इस टाइप के थे वो देख रहे हैं कंटिन्यूस कि वो एग्जामिनेशन छोड़ते जा रहे हैं।
और जो एग्जामिनेशन देने की मतलब कि अपनी दुस्साहस कर रहे हैं तो जांच के क्रम में वो पकड़े भी जा रहे हैं। और अभी चूंकि कोविड की वजह से हम लोग जो जांच कर रहे हैं तो इंट्रेंच कर जाते हैं वो मास्क की आड़ में लेकर के, और साइबर वाले के माध्यम से वो किसी तरह फोटो इस टाइप से स्कैन कर ले रहे हैं। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कला, सांस्कृतिक, पर्यटन, समाज कल्याण, महिला विकास निगम, जीविका, यूनिसेफ सहित NGO एवं अन्य प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि के साथ बजट पूर्व बैठक का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं के संरक्षण, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है एवं इन क्षेत्रों में योजनाएं संचालित की गई है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में महिला एवं बाल विकास, कला संस्कृति, खेल एवं पर्यटन क्षेत्र में हितधारकों के साथ सकारात्मक चर्चाएं हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सामुदायिक स्तर पर जन व्यवहार में परिवर्तन, पोषण जैसे क्षेत्रों में बेहतरी के सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। आज की बैठक में जीविका से जुड़ी दादियों को कोविड वैक्सीन से आच्छादित करने, विद्यालय खोलने के निर्णय के आलोक में स्कूली शिक्षकों को ही प्राथमिकता के आधार पर कोविड वैक्सीन से आच्छादित करने, महिला एवं बाल विकास से जुड़े हितधारकों के लिए जीविका ग्राम संगठन को महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न विभागों की आयोजन की जानकारी एवं वितरण हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित करने, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं बच्चों की मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक सहायता के लिए आश्रय भवन की उचित व्यवस्था, किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार कक्षा 12वीं तक करने, राज्य में कला गतिविधि के कैलेंडर तैयार करने, बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना, पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं के संरक्षण हेतु बिहार में प्रयोगशाला की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए पेंशन तथा जूनियर स्तर के खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति योजना को लागू करने, पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा बिहार की पर्यटन संभावनाओं के प्रचार प्रसार तथा पटना एयरपोर्ट में बिहार पर्यटन संबंधित जानकारी की उचित व्यवस्था इत्यादि से संबंधित अन्य बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। विभागों के पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विस्तार से अपने संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिन पर व्यापक लोकहित में बजटीय प्रावधान हेतु गहन विचार विमर्श के पश्चात अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य, बाल विकास, कला एवं संस्कृति, खेल तथा पर्यटन के क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों के प्रत्येक पायदानों पर बिहार प्रदेश गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि के साथ प्रदर्शन करे।